मुल्क भर में कोरोना से मजीद 68 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 2,928 नए केसेज रिपोर्ट। पाकिस्तान के बरतानिया की रेड ट्रैवल लिस्ट से निकलने बारे फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन से कोई महाज हराई नहीं चाहते, चाहते हैं अगला इलेक्शन साफ और शफाफ हो। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज हमारी मुलाकात करवाने वाली हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर से, जो कि है अनीता करीम। उनसे बात की है, उनकी ट्रेनिंग दिखाई है, तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमना खालिद। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम से। ऑल द वे फ्रॉम हुंजा से हमारे साथ है अनीता करीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज यहाँ के ना मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई, और मुझे खुद से लग रहा है कि यार कुछ शुरू करना चाहिए। तो हुंजा से और यहाँ पे और मिक्स मार्शल आर्ट्स मतलब फाइटर, तो ये कैसी आपकी स्ट्रगल थी? हुंजा से आप कहें तो हुंजा में जितने ख्वातीन को सपोर्ट किया जाता है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने में इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं हुंजा की बेटी हूँ, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला अपने लोगों से, और स्पेशली जो मेरी फैमिली है, वो जो मेरे भाई हैं हेड कोचेज हैं मिक्स मार्शल आर्ट के, और दूसरे जो मेरे भाई हैं वो मिक्स मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल फाइटर हैं। आपके फैमिली में था राइट? ऐसे ही है तो एक ही पाकिस्तान में, या मेरे ख्याल में हर जगह कॉन्सेप्ट है यार लड़की है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनेगी, नहीं पढ़े और वो क्या जी शादी जाए फ्यूचर बने और बस। तो ये आपको, आपने जब अपनी फैमिली में बताया या ओवरऑल बताया, तो आपको सपोर्ट मिली ओवरऑल? शायद ये हमने खुद अपने आप को इस तरह बनाया है कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, हम नाजुक हैं, नाजुक मतलब हम कोई सख्त काम नहीं कर सकते। शायद ये हम लोगों ने खुद अपने लिए माइंडसेट बनाया है, और इजी तरीका अपने लिए अपनाया है कि हम सख्त काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों का भी यही मेन मकसद था कि लेट्स सी लड़कियां कर सकती या नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही, और जिस तरह के हालात हैं तो ओवरऑल वुमेन की सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी इसमें काउंट होता है इस? अब देखिए, पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर काम करती है कि एक फीमेल के लिए या लड़के लड़की के लिए, दोनों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे टेक्निक होते हैं जो मतलब चाहे वो लड़की हो, उसका दुपट्टा यूज़ हो सकता है अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस कर सकती है अपने आप को, और जो लड़का हो तो अपना टी शर्ट यूज़ कर सकता है, जो उसने पहना वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मैं पूछूँ कि ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए कि हाँ जी इतनी आपकी सर्टन हाइट होनी चाहिए, ये वेट, या एक प्रॉपर सिलेक्शन के लिए मेरी जैसी आ जाए जी हाँ जी मैंने आना है, तो कोई आप स्पार्क देखते हैं या कहते नहीं यार आप आए? देखिए, इसमें सिलेक्शन होती नहीं, ये सबसे कम कद की मैं हूँ, मेरे ख्याल में जो मैं फाइट करती हूँ मुझसे बहुत बड़ी और लंबी लड़कियाँ आती है। मैं सबसे मेरे ख्याल में कद की बहुत छोटी हूँ। एज डजंट मैटर, हाइट डजंट मैटर, बस आप दिलो दिमाग से तैयार हों। अच्छा, यही बात है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूँ कि फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस फील्ड को लेके या इस फाइट में लेके, क्या आपने और क्या आगे करना है? ऑब्वियसली अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, सबका यही ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, और मेरा भी यही मेहनत है, और मेहनत करती हूँ इसी चीज़ के लिए कि मैं एक दिन मिक्स मार्शल आर्ट की वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ, और ना ही मैं सिर्फ अकेले, और भी मेरे साथ फीमेल फाइटर आगे जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा, आपका एक बड़ा वेल नोन निकनेम है, मैंने हर किसी के मुंह से सुना, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं बोलना चाह रही कि मुझे पता है कि उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि वो आपका निकनेम कैसे था, तो वो आप अपना पहले नाम बताएं और उसके बाद स्टोरी। जब मेरी इवेंट हो रही थी तो वहाँ पर मैंने उस लड़की को मैंने अंबार लगाया। उसमें रूल होते हैं, इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में रूल होता है कि अगर आप टेप करते हैं तो आगे वाला बंदा आपको छोड़ता है और दूसरे की जीत होती है। शायद दूसरी लड़की को ये लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी,
तो वो जाते जाते उसका हाथ टूट गया और फिर अगली लड़की का हाथ टूट गया। तो इसी तरह मुझे मिक्स मार्शल आर्ट का नाम दिया। सबसे मैं ये कहूँगी जो आम कलेक्टर का जो मुझे निकनेम दिया है वो क्रेडिट जाता है कोच आतिफ को, जो हमारे ब्राज़ीलियन जुजुत्सु के कोच हैं। अच्छा जी, मिक्स मार्शल आर्ट जो फाइट है एज वेमेन अभी पाकिस्तान में आई गेस नेशनली इतना इन नहीं है, इंटरनेशनल आपने स्टार्ट किया, तो आपको लगता है इन फ्यूचर ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ला सकती हैं, यहाँ की लड़कियों को मोटिवेशन दे सकती हैं, या आपके पास ट्रेनिंग सेशन ऐसा चल रहा है? मिक्स मार्शल आर्ट मेरे भाइयों ने एक्चुअली पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। मेरे भाई ये पाइनियर्स हैं मिक्स मार्शल आर्ट के। ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब लोगों में थोड़ा बहुत पता चला है कि एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट होता क्या है। मेरे बाद बहुत से फीमेल फाइटर्स बन रही हैं, ट्रेनिंग कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो स्क्रीन पर फाइट करेंगी। ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले और अपनी बहन यानी अनीता करीम को यहाँ तक जो पहुँचाने वाले, किसकी स्पोर्ट है यानी अनीता के भाई की, और वो हेड कोच भी है, ट्रेनर भी है। जब कभी फाइट पे रिंग पे अनीता होता है, ऑब्वियसली बैक एंड पे आप वहाँ पे होते होंगे, तो आपको कैसा फील होता है? कहीं ना कहीं ये पंचेज ज़रा खा रही हैं, इसमें मैं कहीं पे होता है ना, अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी कोई फाइट हार रही हैं या उनको पड़ गए मतलब मार वगैरह, तो क्या आपकी फीलिंग होती है, क्या आपकी स्पोर्ट होती है, क्या आप मोटिवेट करते हैं? फीलिंग देखें, स्पोर्ट के अंदर हम जिस तरह की फ़ाइट होती है हमने बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन करना होता है। तो अनीता वहाँ पे जितने ज़ोर का मुक्का खाए, हमारी कोशिश होती है कि ट्रेनिंग में अनीता उतनी ज़ोर का मुक्का खाए जितना ज़ोर का वो फाइट में ना खा सके, नॉट एज फ्रीक्वेंटली, लेकिन आइडिया ये होता है कि आप उतना पुश करो जितना फ़ाइट में, अगर वो जितना भी पुश हो फिज़िकली और मेंटली, वो उसके लिए एक नई चीज़ है। क्योंकि अगर आप जो आपकी एक लिमिट एक ट्रेनिंग के अंदर है, अगर उससे बढ़ के अगर आप पुश होंगे फाइट के अंदर, तो आपका सिस्टम शट डाउन कर जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अच्छा अनीता, कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग के अलावा घर में आपके अपने भाई के साथ नोकझोंक होती हो कि नहीं जी आपने मुझे ट्रेनिंग के दौरान ये बता दी, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे है? हमारी ना ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा मेरे भाइयों के साथ मतलब अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और मैं ज़्यादा बाहर लोगों के साथ इतना नहीं रहती जितना अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। अब अनीता हमें बता रही हैं वो मूव, तो आइए चलते हैं। ओके, ज़्यादातर ये होता है कि या स्ट्रीट हैरेसमेंट होते हैं, या कोई कोशिश करता है कि किसी का पर्स खींच के लेके जा रहा हो, या हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा हो, तो उस पोजीशन में आपने क्या करना है? फर्स्ट कोई बंदा या कोई भी हो हाथ पकड़े, कोई वो खींच के लेके जा रहा, तो ज़्यादातर लड़कियाँ ये करती है, वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और वो फ्रीज़ हो जाती हैं। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं, इतना नहीं करना, सिर्फ आपने अपने पाम वाइड करने हैं, बस वाइट और थोड़ा सा बैठना है, दैट्स इट। उसके बाद देखो, अब ये हाथ आपके पास है, मैंने अपने हाथ को बचाना है। अगर वो बंदा जिसने सही टाइट नहीं पकड़ा, तो मैं इजीली, देखिए यहाँ पर हमेशा ओपनिंग होती है, यहाँ सिर्फ मैं अपने रिस्ट को यूँ मूव करती हूँ और ये बस निकाल लिया। अगर कोई सख्त पकड़ किसी बंदे ने और सीरियसली वो हैरेसमेंट के माइंड में है, और उसका माइंड ये है कि मैंने इसको खींच के लेके जाना है, वो मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा, और ज़्यादातर लड़कियाँ ये है कि वो नहीं कर सकती और ये कमज़ोर है या कुछ नहीं कर सकती, इजी आपके लिए टेक्निक है, अपने हाथ यूँ बंद रखें, सारे फिंगर्स क्लोज, थंब फिंगर इसके साथ क्लोज, इसको हम मंकी बार भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर से ये इधर आएगा, चाहे आपने दोनों मेरे हाथ पकड़े हों, दोनों हाथों से मेरा ये हाथ पकड़ा हो, जितनी जोर आप लगा सकते हैं लगा लें। ये देखिए इजी, मैंने ज़ोर भी नहीं लगाया, आप भी कोशिश कर लें। ये देखिए यूँ हाथ, यूँ, ठीक है। अब ये हाथ वाइड योर लेग्स प्लीज, हाँ हाँ अपनी तरफ, हाँ यूँ खींचना नहीं है, जस्ट आपने अपने हाथ को यूँ बंद किया और ये हाथ ऊपर चेस्ट की तरफ यूँ आएगा, ठीक है। और अपने होश को हमेशा एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखना है कि सामने से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। हमेशा अगर कोई यू पास आ रहा है, तो उसका शायद नियत गलत हो या आपको टच करने के उसमें आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? एक तो आपने डिस्टेंस रखना है, इन केस अगर आप डिस्टेंस नहीं रखते, कोई इस तरह कुछ हरकत कर रहा है, तो प्लीज़
मेरे फेस को, ऑब्वियसली मेरे फेस को टच करने की कोशिश कीजिएगा। इस हाथ से मैं कभी नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखो आपका लेफ्ट हाथ और लेफ्ट सेम, ठीक है। तो हाथ टच करने की कोशिश करा आपने, यूँ लिटिल फिंगर से आपने यूँ पकड़ना है, ठीक है, मोड़ना है। और ये मेरा हाथ, ठीक है, आपके शोल्डर्स पर ये इधर आएगा और जस्ट मैंने आपको नीचे की तरफ ड्रॉप करना। और जितनी मर्जी आप नीचे लेके जा सकते हैं, आप आराम से लेके जा सकते हैं। अगर आपको पंच सॉरी अगर आपको कोई किक आता है तो आप आराम से उसके चेहरे पर किक मार सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर कोई किक मारता है। थैंक यू सो मच अनीता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज। और ये जो बेसिक ट्रिक्स मैंने सीखे, मैं बहुत मोटिवेट हो गई हूँ। मैं प्लान भी कर रही हूँ कि आगे मैं मज़ीद आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लूँ। और अभी हम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के सेगमेंट से जाते हैं, मज़ीद अच्छे सेगमेंट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।